श्रीनगर एयरपोर्ट में आप सबका स्वागत है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर। क्या ठंडा है। फाइनली इतनी सारी चीजें होने के बावजूद हम यहाँ पे हैं। यस 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 लड़ाई कर लड़ाई करके आ रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ढोंडियाल सिस्टर्स। फाइनल दिस इज कश्मीर एयरपोर्ट एंड वी आर हियर। हम लोगों ने यहाँ आने से ही पहले अपनी टैक्सी और होटल बुकिंग करवा रखी है और हमारी टैक्सी पूरा ट्रिप हमारा कंप्लीट करवाएगी। हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं और सबसे पहला हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है पहलगाम। हम वहीं आज स्टे करेंगे, लेकिन सुबह से क्योंकि आपको पता है हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी और हमने कुछ खाया नहीं, तो सबसे पहले होएगा लंच। एंड दिस इज़ फनीस्ट पार्ट ऑफ आर ट्रिप जो हम हमेशा कैप्चर करते हैं। तो गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट में। ड्राइवर साहब ने हमें बताया दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू ईट और लेट्स सी सबको कैसा लगा। यहाँ हमने मंगवाया चिकन दाल तड़का राइस एंड रोटी। चिकन की ग्रेवी देखकर ही सबके मुंह में पानी आ गया, उन्होंने दाल तड़का को साइड करा और चिकन पर टूट पड़े। और अब हम निकल चुके हैं पहलगाम की। और पहलगाम श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। पहलगाम घूमने के लिए हमें 2 दिन चाहिए होते हैं। पहले दिन आप आरू घाटी, बेताब घाटी, चंदनवाड़ी टैक्सी से घूम सकते हैं। दूसरे दिन आप कनीमर्ग, बेसरन और डाबियान घोड़े किराए पर लेकर जा सकते हैं। अभी तो सेब का सीजन नहीं है, फिर भी आपको पेड़ पर लगे हुए सेब दिख रहे होंगे काफी। बेताब वैली, इसको नाम मिला बॉलीवुड फिल्म बेताब की शूटिंग के बाद। पहले इसे हजन घाटी के नाम से जाना जाता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि दिसंबर जनवरी में यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ी है और घाटियाँ एकदम बेजान पड़ी हुई हैं। सर्दियों में ये घाटी पूरी बर्फ से ढकी रहती थी। यहाँ से चंदनवाड़ी 10 किलोमीटर आगे है। चंदनवाड़ी प्रकृति की गोद में एक और घाटी है। श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ आप पीर पंजाल की पहाड़ियों की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। कश्मीर की असली खूबसूरती देखना हो तो आपको आरू वैली जरूर जाना चाहिए। ये ऑफबीट जगह श्रीनगर, गुलमर्ग जैसी फेमस ना हो लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। आरू वैली के नज़ारे आपको फिल्मी नज़ारे की तरह लगेंगे जो वास्तव में आप अपनी आँखों से देख पा रहे होंगे। खूबसूरत नज़ारों के साथ आप यहाँ जमी हुई नदी भी देख सकते हैं। ठंड से नदी का पानी जमना शुरू हो गया है और इतना खूबसूरत लग रहा है, एकदम साफ स्वच्छ पानी। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं होटल। हमने पहले से ही बुकिंग करके रखी हुई है सभी होटल्स की और आज हमारा फर्स्ट स्टे पहलगाम में ही होने वाला है। और टेम्परेचर इस वक्त -1 के अराउंड है। दिस इज़ वाइट वाटर रिजॉर्ट। तो चलिए अंदर चलते हैं। सभी लोग बोल रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है कि इस वक्त यहाँ पर स्नो नहीं है और बैड लक बट ठंड जबरदस्त। हाय गाइस, कैसे लग रहा है, कितनी ठंड है। गाइस ऐसा लग रहा है हम नॉर्थ पोल में चले गए। इसलिए कहते हैं 3 जगह ही जन्नत है, कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। गाइस हम ठंड के मारे कश्मीरी लोग, आ जाओ नोज रेड हो गई है। चलो इनकी बच्चों को, ए हम कश्मीर में बैठे। आपको पता है मैंने एक चीज नोटिस करी, कश्मीर के जो लोग हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत प्यारे हैं। और मैं भी बहुत प्यारा हूँ।
बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है यहाँ। अभी कल गुलमर्ग में तुम्हारा क्या होएगा बच्चों? फिर भी मेरी हालत खराब है। हाँ, मामा ने तो कुछ पहने भी नहीं, तब भी माइनस में। और ये देखो, ओम टोपी पहन ले, मत कर मजाक। क्या कंटेंट मिला है? ओम, मैं ना सच बोल रही हूँ, तेरे को मारूंगी। टोपी पहन ले। मार दो मम्मी। अब हम करेंगे डिनर, और डिनर के बाद हम लोग खेलेंगे अंताक्षरी।